महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी मथापच्ची के बीच आज केंद्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर राज्यसभा में रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन से संबंधित रिपोर्ट पेश करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की सरकार ना बनाने पाने की स्थिति में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और इसी को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के मसले पर रिपोर्ट पेश करेंगे। विपक्ष भी लगातार इस मसले को उठाता नजर आ रहा है और ये मुद्दा अब सदन के अंदर भी गर्माता हुआ दिखाई देगा, जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन को लेकर अमित शाह जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।